हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमारे हर क्लास में यूज होंगे। नाम है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हमें दो टर्म्स और भी समझने होंगे कि कैलेंडर ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो देखिए, कैलेंडर ईयर ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। सपोज अगर मैं 1920 लिखूं तो ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से और एंड होगा 31 मार्च 2020 पे। तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की या असेसमेंट ईयर की, तो हम कभी भी कैलेंडर ईयर के मंथ्स नहीं कंसीडर करते। हमारा जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होता है वो ऑलवेज अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च पे एंड होगा। ठीक है, तो जब मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ या असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च नॉर्मल केसेस में। जबकि न्यूली सेटअप बिजनेस में ये इनकॉर्पोरेशन डेट से स्टार्ट होता है एंड एंड ऑफ मार्च खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को जो कि है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर और दूसरा टर्म है असेसमेंट ईयर। देखिए, प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर जिसकी इनकम पे हम टैक्स पे कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर जिसकी इनकम पे हम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। द ईयर इन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में हमने इनकम कमाया उस इनकम पे जो हम टैक्स पे करेंगे वो असेसमेंट ईयर में पे करेंगे। तो सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी हमारा सपोज 2021 ईयर हमारा चल रहा है, 2021 का साल अभी हमारा चल रहा है। तो अब जो मुझे टैक्स पे करना है 2021 में, वो कभी भी 2021 के साल का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम टैक्स जब ही पे कर पाएंगे जब हम उस साल की इनकम कैलकुलेट कर पाए। और जो साल चल रहा है अभी, करंट में जो साल चल रहा है, उसकी इनकम कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इनकम ऑलवेज कंप्यूट उसी साल की होती है जो एंड हो चुका हो। यानी अगर आज मुझे टैक्स पे करना है तो मैं 1920 का ही टैक्स पे कर सकता हूँ। 1920 हमारा कंप्लीट हो चुका है साल, 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा, 31 मार्च 2020 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो 1920 हमारा साल कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं 2021 में टैक्स पे करना चाहूं तो मैं 1920 के ही साल का टैक्स पे कर सकता हूं। तो जो साल बीत जाता है हम टैक्स हमेशा उसी साल का पे करते हैं। जो इनकम हम अर्न कर लेते हैं उसी इनकम पे हमें टैक्स पे करना होता है। और उसकी कैलकुलेशन जब भी हो सकती है जब वो साल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि वो साल जिसकी इनकम पे आपको टैक्स पे करना है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है द ईयर, द इनकम ऑफ द ईयर ऑन विच यू वांट टू पे टैक्स, है ना। तो जिस साल की इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हैं वो साल हो जाता है हमारा प्रीवियस ईयर। और जिस साल आप वो टैक्स पे करते हैं वो हो जाता है हमारा असेसमेंट ईयर, जो कि वेरी नेक्स्ट ईयर होता है। जैसे ही वो साल कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर आप उस पिछले साल की इनकम कैलकुलेट करेंगे और उस पर आप टैक्स पे कर देंगे। नॉर्मली प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का होता है, 1 अप्रैल से शुरू होगा। जैसे सपोज मेरा ईयर है 1920, तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2019 से और एंड होगा 31 मार्च 2020। जनरली ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कोई बिजनेस न्यूली सेटअप हुआ है तो उस केस पे 12 मंथ नहीं होंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से
क्लोजिंग यानी 31 मार्च तक होगा, चाहे वो 6 महीने का हो या 8 महीने का हो, वही हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, तो सेकेंड चीज आपको इसमें क्या समझ में आ गई कि ये होता है प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पिछले साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, असेसमेंट ईयर से पिछले साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है, असेसमेंट ईयर से पिछले साल को कहते हैं। और जो हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स जो हम पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, लेकिन जिस साल की इनकम पे टैक्स पे करते हैं वो साल हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। जिस साल की इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं वो साल हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। टैक्स इज पेड ऑन द इनकम अर्नड बाय द असेसी इन दिया प्रीवियस ईयर। तो टैक्स पेड होता है उस इनकम पे जो कि असेसी कमाता है प्रीवियस ईयर के दौरान। तो प्रीवियस ईयर में आपने जितना भी इनकम अर्न किया उसके नेक्स्ट ईयर में हम उस इनकम को कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स पे कर देंगे। जिस साल हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट मीन्स कैलकुलेशन। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर को कहते हैं। इस साल हम अपने टैक्स पे करते हैं। टैक्स इज पेड इन असेसमेंट ईयर। अब देखिए, इनकम हम कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, कैलकुलेशन हमारी सारी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होती है, और जब हम टैक्स पे करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। अब जो हर साल होता है वो प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है। यानी अगर मैं बात करूँ 1920 की, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। हमें बस ये देखना होता है कि हम किस रेफरेंस में देख रहे हैं। 1920 हमारा प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, लेकिन यही 1920 हमारा असेसमेंट ईयर है 1819 प्रीवियस ईयर के लिए। तो हर साल, कोई भी साल, हमारा प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग साल चेंज हो जाएंगे कि हमें देखना होगा कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। 1920 हमारा प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, और यही 1920 हमारा असेसमेंट ईयर बन जाएगा, तो फिर इस केस में इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 1819। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे अपने सिलेबस में, इनकम टैक्स में हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन में अगर आपको कहते हैं कि कैलकुलेट टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, कैलकुलेट टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2021 का टैक्स निकाल के बताना है। नहीं, आपको जो इनकम कैलकुलेट करनी है उस असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर का करना है। तो अगर आपको 2021 के लिए वो टैक्स निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले 1920 आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और फिर आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो 1920 के लिए ही करनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए ही सॉल्व होता है, असेसमेंट ईयर के लिए सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हम टैक्स देते ही प्रीवियस ईयर की इनकम पे है। असेसमेंट ईयर पे हम कभी कोई कैलकुलेशन नहीं करते। असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेशन जो भी होगी वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए होगी। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा भी है कि कैलकुलेट टैक्स या कैलकुलेट दिस फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 या असेसमेंट ईयर 2021, तो सबसे पहले आप उस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर लिखो और फिर प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेशन करो। ठीक है ना? तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर मींस द ईयर इन विच असेसी अर्न इनकम, वो साल जिसमें असेसी इनकम कमाता है, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वो साल जिसमें उसने जो भी इनकम पिछले साल में कमाया उसका टैक्स पे करता है। असेसमेंट ईयर मींस द ईयर इन विच असेसी पे टैक्सेस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, रिलेटेड टू इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर को कहते हैं, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर को कहते हैं। और एक ही ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, लेकिन उसका रेलिवेंस देखेंगे।
1920 हमारा प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर 2021 के रेफरेंस में, लेकिन यही 1920 हमारा असेसमेंट ईयर है प्रीवियस ईयर 1819 के रेफरेंस में, ठीक है ना। तो हमेशा जो नेक्स्ट ईयर होगा वो असेसमेंट ईयर होगा, और जो बैक वाला ईयर होगा वो हमेशा प्रीवियस ईयर होगा, किसी का भी देखेंगे तो। अब इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी हैं प्रीवियस ईयर के, कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि जनरली तो क्या होता है कि इनकम जो होता है वो टैक्स होता है असेसमेंट ईयर में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसमें प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स कर देते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना होता है, तो वो एक्सेप्शन बुक में मेंशन है ऑलरेडी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस है। फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, क्लोज हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, बिजनेस में लॉस हो गया, प्रोप्राइटर की डेथ हो गई और वो बिजनेस बंद हो रहा है, तो उस केस में हम वेट नहीं करेंगे कि भाई इसका साल कंप्लीट होगा देन हम नेक्स्ट ईयर में ड्यू डेट से पहले उसकी इनकम कंप्यूट होगी, ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में जो प्रीवियस ईयर है उसी साल इनकम को असेस करके उस पर टैक्स पे कर दिया जाता है। इसी तरीके से कभी कभी कुछ ग्रुप्स बनते हैं, कुछ पार्टनरशिप्स बनती है जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनती है, सपोज 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, तो वो साल कंप्लीट होने से पहले ही वाइंड ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उस केस में भी जब भी शॉर्ट ड्यूरेशन का भी पार्टनरशिप हो तो उस केस में भी आपका जो प्रीवियस ईयर है वही आपका असेसमेंट ईयर होगा, उसी साल हम टैक्स ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन इंडिया को परमानेंटली छोड़ के फॉरेन जा रहा है तो वेट नहीं करेंगे ना कि भाई अब साल खत्म होगा तब हम उससे टैक्स लेंगे, तो उस केस में भी जो प्रीवियस ईयर अभी चल ही रहा है वो साल, उसी साल में प्रीवियस ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ असेसमेंट ईयर का, हम वेट नहीं करेंगे, हम जब वो जा रहा है तो उससे पहले हम पूरा इनकम उसका असेस करेंगे और उससे टैक्स ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो पर्सन रीचेबल नहीं रहेगा। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए, डिसकंटिन्यूड बिजनेस का एग्जाम्पल दे दिया, इफ एनी पर्सन लीव्स इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन टू अदर कंट्रीज तो उसके इसमें भी हम लॉन्ग टर्म बेस पे जा रहा है तो उसका भी हम एक्सेप्शन इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और फिर मैंने बताया कि अगर कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट हो रहा है या AOP या BOI का कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है, कुछ ग्रुप तैयार हो रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उस केस में भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हम नहीं वेट करेंगे, प्रीवियस ईयर इटसेल्फ हमारा टैक्सेबल ईयर हो जाएगा। इसके साथ ही एक होता है नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस, कि सपोज कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है यानी वो इंडिया में रहता नहीं लेकिन उसके शिप्स चलते हैं, जिस शिप्स के थ्रू वो कार्गो के थ्रू गुड्स लाता है या पैसेंजर लाता है, तो जब वो शिप रिटर्न होने वाला होता है तो उससे पहले ही जितनी भी इनकम उसने इंडिया में अर्न करी है उससे वो टैक्स रखवा लेते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है प्रीवियस ईयर के जो कि आपको पता होने चाहिए, आपकी बुक में मेंशन है, आप उसको अच्छे से याद कर ले, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है वो ये है कि हम इनकम प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट करते हैं और टैक्स उस इनकम पे टैक्स हम असेसमेंट ईयर पे करते हैं। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर को कहते हैं और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर को कहते हैं। क्वेश्चन हमेशा हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए ही सॉल्व करना है। कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 तो उनके दिमाग में 2021 चलने लगता है जबकि क्वेश्चन असेसमेंट ईयर 2021 लिख रहा है। क्वेश्चन असेसमेंट ईयर 2021 लिखने का मतलब है कि वो क्वेश्चन 2021 का नहीं है बल्कि 1920 का है, वो क्वेश्चन 1920 का है। तो ये हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए अगर आपको असेसमेंट ईयर गिवन है सपोज 2021 तो आप उसके साथ ऑब्लिक करके जरूर लिखें कि ये प्रीवियस ईयर 1920, और फिर आप असेसमेंट ईयर को भूल जाएं और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करें और सारी की सारी कैलकुलेशन एज पर प्रीवियस ईयर ही करें, क्योंकि क्वेश्चन ऑलवेज ऑलवेज प्रीवियस ईयर के लिए ही सॉल्व होता है। असेसमेंट ईयर में सिर्फ हम प्रीवियस ईयर की इनकम जो हमने अर्न करी है उस पर टैक्स पे करते हैं और हायर अथॉरिटीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हमारे जो टैक्स हमने जो पे किया है उसको चेक करती है, तो इसीलिए उसका नाम असेसमेंट ईयर कहलाता है, क्योंकि इस साल हमारी इनकम पे चेकिंग होती है, टैक्स हम जो पे करते हैं उसकी चेकिंग होती है, तो असेसमेंट ईयर वहाँ से इसका नाम आ जाता है। असेसमेंट मीन्स चेकिंग, कैलकुलेशन, रिव्यू कर रहे हैं ना, आपने जो टैक्स जमा कराया उसको रिव्यू करता है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस साल की इनकम पे हमें टैक्स पे करना है, असेसमेंट ईयर वो साल जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से लास्ट ईयर को कहते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर को कहते हैं, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर को कहते हैं। तो बस यही है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है,
एवरी क्लास में आपका आपको इसका रेलिवेंस मिलेगा। हर क्वेश्चन के लास्ट में आपको यही मिलेगा कि कैलकुलेट टैक्स या डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर दिस एंड दिस। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन असेसमेंट ईयर के लिए सॉल्व नहीं होता। अगर आपको असेसमेंट ईयर बोला जा रहा है तो आप उसका प्रीवियस ईयर लिखें और फिर अपना फोकस सिर्फ प्रीवियस ईयर पर रखें, प्रीवियस ईयर पर रखें, असेसमेंट ईयर पर ना रखें, क्योंकि आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर की ही करनी है। असेसमेंट ईयर इट्सेल्फ कोई कैलकुलेशन नहीं होती, जो कैलकुलेशन होनी होती है वो ऑलवेज प्रीवियस ईयर के लिए ही होती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।